नमस्कार। आज हम आपके हिंदी व्याकरण के लिए हिंदी व्याकरण में नया टॉपिक लेके आए हैं, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति आ सकता है, वस्तु किसी प्रकार की कोई चीज आ सकती है, प्राणी मतलब कोई भी जीव जंतु ये सब आ सकते हैं, स्थान कोई भी जगह आ सकती है, और हमारे भाव गुण ये सब हमारे जिसको नाम होते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब आगे हम इनके भेद पढ़ेंगे कि संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं। पहला भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, हिमालय, कुतुब मीनार, चंद्रशेखर आजाद, ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, इस प्रकार से। अब हमारा नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, लड़का, पुस्तक, नदी, ऐसे। इसका हमारा नेक्स्ट है, इसका आगे का भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण या दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूरों में मिठास है, श्याम की लंबाई राम से अधिक है, राणा प्रताप की वीरता सराहनीय है, भक्त भक्ति में लीन है। इसी तरह हमारे आगे है, आगे हमारा इसका भेद है द्रव्यवाचक संख्या। द्रव्यवाचक संख्या में जिन संख्या शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उन्हें है द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूं आदि। यानी कोई भी वस्तु हो, ठोस हो, द्रव्य प्रकार की वस्तु होती है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, दल, सभा आदि, इस तरह से। कुछ विद्वान द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संख्या को जातिवाचक संख्या के रूप में ही मान्यता देते हैं। भाववाचक संख्या शब्दों की रचना। भाववाचक संख्या शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से जातिवाचक संख्या, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होता है। व्यक्तिवाचक संख्या शब्द किसी एक नाम का ही बोध कराते हैं। इसके विपरीत जातिवाचक संख्या शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। यानी ये इसके अंतर बताया गया है, भाववाचक में क्या होता है और व्यक्तिवाचक में क्या होता है। तो हमारा आगे आता है, ये हमारा था समूहवाचक संख्या। तो अभी हमने आपको संख्या के बारे में बताया कि संख्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेद और उन भेदों की भी परिभाषा आपको बताइए, उसके उदाहरण बताए। आगे हमारा इसी तरह है लिंग, कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग में हमारे आएगा, पहले हम आपको लिंग की डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मोहन, गीता, इस तरह से। मतलब शब्द का वह रूप जिसमें हमको उससे पहचान करनी कि वो पुरुष है या स्त्री है तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद। लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में हमारे वे आते हैं जो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम
पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। इसी प्रकार से हमारे इसका आगे भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हमारा आएगा, स्त्रीलिंग में हमारा आएगा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि इस तरह से। तो अभी हमने आपको लिंग के लिंग की डेफिनेशन और उसके भेद बताए। अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जैसे हिंदी दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख, ये सब पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद पर्वतों के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, यूराल आदि। फिर वृक्षों और फलों के नाम, ये भी पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर आगे है, ये केवल पुल्लिंग ही कहलाते हैं प्राय। देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम, जैसे भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप, महाद्वीपीय, एशिया आदि। अन्य धातुओं के नाम, अन्य धातुओं के नाम में भी पुल्लिंग होता है, जैसे सोना, लोहा, पीतल आदि। इसी प्रकार अन्य सभी ग्रहों के नाम, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे मंगल, बृहस्पति आदि। अनाजों के नाम, ये भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूं और जो भी अनाज की चीजें हैं वो सब। आगे हमारा आता है शेष रत्नों के नाम, ये भी पुल्लिंग में आता है, जैसे नीलम, हीरा, ये पुल्लिंग में ही कहलाते हैं। अन्य फूलों के नाम, जैसे कमल, गुलाब आदि। वर्णमाला के अक्षर, जो क, ख, ग होते हैं, वे भी पुल्लिंग में आते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ केवल स्त्रीलिंग होते हैं। अभी हमने केवल पढ़ा कि कुछ केवल पुल्लिंग होते हैं, और अब हम पढ़ रहे कुछ केवल स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये है स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम में भी ये स्त्रीलिंग में आता है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि। जिन शब्दों के अंत में ऐसे आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि, तो ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। और आगे है इसमें भाषाओं, लिपियों के नाम, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो पहले हमने पढ़ा आपको कि स्त्रीलिंग में पुल्लिंग होता क्या है, फिर आपको हमने पुल्लिंग के बारे में बताया कि पुल्लिंग में क्या आता है, स्त्रीलिंग में क्या आता है। फिर हमने आपको बताया कि केवल कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में ही होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, हम उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। अब जैसे नी, तो कुछ सब कुछ ऐसे शब्द जैसे नी, उसको हम अंत में लगाते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे सिंह है, सिंह अभी क्या है, ये सिंह है पुल्लिंग, पुल्लिंग है सिंह, सिंह पुल्लिंग है हमारा। अब जब इसमें हम नी लगा देंगे तो सिंहनी बन जाएगा, तो सिंह मतलब स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी तरह आगे है इनी, जब अंत में हम इनी को जोड़ते हैं, तो इन्हीं को जोड़ते हैं हम, तो इन्हीं में स्वामी, तो स्वामी हो गया पुल्लिंग। और जब हम इन्हीं जोड़ते हैं स्वामिनी, तो स्वामिनी बन जाता है स्त्रीलिंग। इसी प्रकार इया, इया जब अंत में जोड़ते हैं तो जो बेटा है, बेटा हो गया पुल्लिंग, और बिटिया, तो इया जुड़ गया उसमें अंत में, तो वो हो गया स्त्रीलिंग। इसी प्रकार आगे है इन, जब माली, तो माली है पुल्लिंग, जब इन हम अंत में जोड़ते हैं इसको तो मालिंग बन जाता है, तो वो हो गया स्त्रीलिंग। इसी प्रकार ई, तो पोता, तो पोता हो गया हमारा पुल्लिंग, और जब आप ई जोड़ते हैं उसमें तो पोती, तो वो स्त्रीलिंग बन जाती है। इसी प्रकार इसमें आगे है आनी, आनी जब लगाते हैं तो सेठ, जब सेठ हम लिखते हैं तो वो पुल्लिंग कहलाता है, तो जब उसमें आने जोड़ते हैं अंत में तो सेठानी, तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी प्रकार आगे इसमें अंत में हम लगाते हैं इका, जैसे शिक्षक, तो शिक्षक हो गया पुल्लिंग,
और शिक्षिका तो इका लग गया तो वो हो गया स्त्रीलिंग। इसी प्रकार आगे है हमारा वान। वान को जब अंत में लगाते हैं जैसे गुणवान, तो गुणवान तो हो गया पुल्लिंग और गुणवंती हो गई स्त्रीलिंग। इसी प्रकार आगे है हमारा अंत में हम आ जब लगाते हैं आ, जैसे भवदीय 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 करते हैं तो वो हो गया पुल्लिंग, भवदिया तो वो हो गया आ लगा दिया तो वो बन गया स्त्रीलिंग। कुछ शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम बनाया है। तो अभी हमने आपको बताया कि पहले हमने आपको बताया कि संज्ञा, संज्ञा में आपको उसकी डेफिनेशन बता दी, उसके भेद बता दिए और संज्ञा में होता क्या है वो सब आपको बता दिया। उसके बाद लिंग हमने लिया, लिंग में भी हमने आपको उसकी परिभाषा बताई, उसके भेद बता दिए और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पुल्लिंग में होते हैं शब्द, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में होते हैं, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बदलना है ये भी हमने आपको बताया है। तो